उज्जैन की महतपुर तहसील में दिनदहाड़े पत्रकार पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया और लकड़ी व्यापारी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। मामला वन विभाग और एसडीएम के सामने हुआ, तब जाकर इस घटना का पर्दाफाश हुआ और दो पत्रकार घायल हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने पत्रकारों पर हुए हमले पर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही है। उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर महितपुर में 20 बीघा जंगल को किसी कॉलोनाइजर ने खरीद कर बगैर प्रशासन की अनुमति से करीब पेड़ काट कर इस पूरे इलाके को उजाड़ दिया और लकड़ियों को ठिकाने लगाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। गनीमत ये रही कि मीडिया की दखल अंदाजी से स्थानीय प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम त्रिपाठी ने तुरंत तहसीलदार राजेंद्र गुहा को अमले के साथ मौके पर पहुंचा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये सामने आई कि जिस वन माफिया का नाम सामने आ रहा था उसके पास ही में आरा मशीन भी लगी हुई थी, जिसमें क्षमता से अधिक लकड़ियां जंगल से काट कर बड़े पैमाने पर विदेशों तक सप्लाई की जा रही थी। हालांकि कार्रवाई के दौरान लाखों की लकड़ियों का ढेर जब्त कर लिया गया, लेकिन जब वन विभाग के वनपाल कैलाश ठाकुर को सुपुर्द किया गया तो वनपाल ने लेने से इनकार कर दिया और एसडीएम के आदेश की अवहेलना की। वहीं 3 साल से टिके पटवारी फैजान बैग पर सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी तादाद में जब उनके अधिकार क्षेत्र में बड़ी तादाद में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर डाली, तब इस मामले का खुलासा आखिर क्यों नहीं हुआ। इस मामले में पत्रकार जब कवर करने पहुंचे तो पत्रकारों पर मशीन संचालक और लकड़ी माफिया ने हमला कर दिया। फिलहाल पत्रकारों को इलाज के लिए उज्जैन के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। काफ़ी आतंक इसका महत्वपूर्ण है और अभी कल ही प्रशासन की टीम वहाँ पर गई थी, पशनामा बनाया और काफ़ी भारी मात्रा में लकड़ियाँ जब्त की। तकरीबन 120 बीघा के जंगल इसने काट के और तहस नहस कर दिया। उसी तारतम्य में आज पता लगा था हम मीडियाकर्मियों को कि उज्जैन से कोई टीम आई है लकड़ी की ताल सील करने इस अशरफ पठान की, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था। हम जैसे कवरेज करने वहाँ गए तो अंदर सभी घात लगाए, 30 से 40 हमलावर हाथी उनके हाथों में डंडे कुराड़ी धारदार हथियार आए दौड़कर और सीधा हमला कर दिया। मेरा साथी है रोमी खंडूजा, पत्रकार साथी, उसके कुराड़ी से उन्होंने हमला किया, उसके सिर की तरफ फट गया और उन्हें वो मेरा लोगों गिर पड़ा और साथी जब मैं उसे संभालने गया तो मेरे पैरों पर डंडे से उन्होंने हमला किया और मुझे जख्मी कर दिया। पत्रकार पर हमला बेहद निंदनीय है, जिस किसी भी माफिया ने या किसी ने भी किया हो, देश का चौथा स्तंभ है इस लोकतंत्र का वो पत्रकार जो अपनी जान पर खेल कर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए काम करता है, उस पर हमला करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी और कांग्रेस पार्टी हमेशा पत्रकार बंधुओं के हमेशा साथ है। अभी आज ये संज्ञान में आने पर इस तरह का एक मैटर हुआ है जिसमें अवैध रूप से बहुत सारे वृक्षों की कटाई की गई है, तो मौके पर यानी तहसीलदार श्री गुहा को भेजा था और उसके संबंध में कार्रवाई वो बना करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे और प्रकरण हमारे पास लाएंगे। समीप में फॉरेस्ट अधिकारियों को इसके संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि वो फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि आरा मशीन आदि के लाइसेंस फॉरेस्ट विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, तो वो उसके अंतर्गत कार्रवाई करें। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि संबंधित वन विभाग के अधिकारी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या कार्रवाई रहती है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई, क्या कार्रवाई की जाना चाहिए। देखिए विवेचना की जा रही है, जाँच में अगर इस प्रकार के तथ्य पाए जाएंगे सारी चीज़ें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।